हाँ, और जब देश का साउंड बढ़िया है, माता बहने यहाँ पर बैठी है, हम धर्म की बात करते हैं साहब, लेकिन धर्म पे चलते नहीं, धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म पे चलते नहीं, हमारी कंडीशन ऐसी हो गई। वो हमारे यहाँ पंडित जी माता बहनों के बीच में बेटियों का महत्व बताने के लिए आ गए, बेटियों के बारे में समझाने के लिए आ गए, कथा प्रारंभ की और उन्होंने भजन प्रारंभ किया, और भजन प्रारंभ करते करते उन्होंने भगवान कृष्ण का एक भजन गाया कथा के बीच में, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लेकिन गांव की महिलाओं को समझ में नहीं आयो। अरे जिन बोलियो के गुरुदेव राग रागनी में सुनाओ, तो ढंग से सुनाओ, तो राग में सुनायो, भोर भयो भोर भयो गहियन के पाछे तूने मधोबन मुहे पठायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो, कमाल गाओ। जैसे उन्होंने करे भोर भयो, तो एक बूढ़ी दादी माँ रोने लगी, उनकी नजर डोकरी माँ पे पड़ी, दादी माँ पे पड़ी, वो रोने लगी, तभी भोर भयो, दादी और ज्यादा रोई, भोर भयो, रात भर हो गया भोर भयो करते करते दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के पंडित जी माँ साहब का घर गया और माँ साहब से की माँ साहब प्रणाम करूं, आपके पूरा गांव में, पूरा दाता गांव में आप अकेली ऐसी महिला थी जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो वह बुजुर्ग डोकरी माँ दादी माँ कहने लगे कि नाना भजन जन तो ठीक है, भजन जन तो ठीक है, पर यही बीमारी मारा बकरा के थी। थाना सरी रात भर बा 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 करिया करो सवारा मरी गया बहुत भयो। हम लोग जो है ना धर्म पे चलते हैं लेकिन धर्म को मानते नहीं हैं, और जब ये कंडीशन होती है और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक की व्यवस्था ठीक है, हाँ, कुछ लोग तो टंकी में बैठ गए, जैसे कि चांद की यात्रा पर निकल रहे हैं, ये खेल पूरा चांद का है, कुछ नहीं होता है। मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर भारद्वाज जी, पेरोडियां लिखते हैं, अच्छी पेरोडियां लिखते हैं, पेरोडिया में कुछ नहीं है, एक शब्द चेंज कर दो पेरोडी बन जाती है, एक शब्द चेंज कर दो, जैसे गाना है, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। क्या गाते हो, अब चांद को हटा दो कमाल और सांड लग दो पेरोडी बनने की। तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज, वाह हाँ, तो ये खेल पूरा होता है, माहौल का होता है, और देश का माहौल जब बढ़िया है तब कोई बेवकूफ कहता है कि हम पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे, सरपंच साहब वो कहता है बिलावल भुट्टो के हम पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे, क्या पूरा का पूरा कश्मीर दे देंगे? नहीं मुंडे तो लाओ, नहीं देंगे सरपंच साहब, हम पूरा का पूरा कश्मीर नहीं देंगे, और उसका मात्र बस कारण इतना है कि पूरा का पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है, आधा उसके पास है सरपंच साहब, और राजस्थान से लेकर दक्षिण भारत के सारे लोग जब जाएंगे तो वो आधा कश्मीर उससे लेंगे, उसके बाद उसको कहेंगे कि अब तुझे कश्मीर हम नहीं देंगे। वाह वाह भाई वाह 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 दिनेश भाई वाह, क्या कविता लिखे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं जितनी हम समझते हैं, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी, एक पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता गुस्से में, अरे वो पानी गर्म कर दे, पत्नी चुपचाप, पति फिर चिल्लाएगा तो पानी गर्म करते नहीं, पत्नी फिर चुपचाप, तीसरी बार पति पूरी ताकत में चिल्लाएगा अरे तू पानी गर्म करते नहीं, पत्नी को गुस्सा आ गया, पत्नी कहने लगी नहीं तो तुम क्या कर लोगे, पति बोला कुछ नहीं ठंडे से नहा लूंगा। जिस दिन 125 करोड़ भारतीय एक आवाज वंदे मातरम कह देंगे, पाकिस्तान की स्थिति भी यही होगी, पूरे सदन की ताली यहां बजनी चाहिए। हरे माता की, माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बड़ा अपना
हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। राजस्थान की वीर भूमि में अगर मैं कविता पाठ कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से आकर, तो मुझे लगना चाहिए मैं देश के बड़े कवि बैठे हैं यहाँ पर, भाग्य जी बैठे हैं, आदरणीय योगेंद्र जी शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय हरिओम जी पारे को हरिवंश जी हरी जी बैठे हैं यहाँ पर, आदरणीय सोनी जी, आदरणीय ये सब बैठे हैं यहाँ पर, बैठे यहाँ पर। मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि एक लोग कविता भी सुन रहे हैं, और इसका प्रमाण आपको देना चाहता हूं आदरणीय हरीश जी। मैं एक पंक्ति छोड़ दूंगा, उस पंक्ति को ये लोग पूरा करेंगे ताकि मुझे लगे कि मेरी पंक्तियां जो ठीक ठीक है। बहुत माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बड़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। डर के क्यों बोल रहे हैं आप, साउंड बढ़िया है अपना, फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे तर्क दे रहा हूं। छूना जाए छूना पाए दुष्ट रावण की जैसी रकीर देंगे, छल्ली हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडी उसे तीर देंगे, ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। वाह मेरे युवा साथियों, जोश रखना, क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। अब जो बैठे ना सीढ़ियों पर, उनसे उनके दांत और उनके तालियां चाहता हूं कि क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था ना एंड बम, ऐसा उखाड़ देंगे। हाय हाय वाह वाह वाह, जियो जियो जियो। अरे जी एक जट गया था, एक जट गया था सरपंच साहब सकीना के लिए, हैंडपम्प उखाड़ के आ गया। श्याम जी 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। तब कहना चाहता हूं, संभालना पंक्तियों को उठाना, आगे से लेकर पीछे तक ललकार और धार देना, आज के कवि सम्मेलन की आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एंडपम ऐसा उखाड़ देंगे, भारत माँ की सोगन इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे, समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी 8 पंक्तियों की आपने लाज रख ली, वरना रात की 1:30 बजे ये हरीश जी मैंने कविता लिखी और पत्नी को सुनाई। नहीं, हमारे पहले श्रोता तो वही होते हैं, पत्नी को सुनाई, बोले सुनाओ देशभक्ति की कविता, मैंने की सुन, कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो उसने ऊपर से नीचे 3 बार मुझे देखा, बोले टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे लेकिन रखोगे कौन सी। नहीं, मेरे साथ कंडीशन ऐसी, भाभी जी क्या बताऊं, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे गया, ऊपर से उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1,000 रुपए में ऐसा ही मिलता है। कमाल कमाल। अच्छा पड़ोस की महिलाएं, भाई साहब योगेंद्र भाई साहब, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती कि तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आगे से लेकर पीछे तक ताली ये पहुंचा देना, ये सारी तालियां मेरी पत्नी के खाते में जाएगी, उसका खाता अलग है। मेरी पत्नी को महिलाएं कहती पड़ोस की तरह पति लंगड़ा के चलता है, मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा मंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। आए हाय हाय हाय, ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात। अरे अब थमो तो वो न्यारो खातो है फाड़ी सोचे थे साहब। लेकिन दोस्तों बरगो बरगो खातो है। देश का साउंड बढ़िया है, और देश का साउंड जब बढ़िया है तो आपका साउंड भी बढ़िया है। लेकिन इस बड़े मंच से कहना चाहूंगा, हमारे युवाओं को साउंड बिगड़ा हो पड़ा है साहब, हमारे युवा